सो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल कंपनी के दो नए रिचार्ज प्लान्स के बारे में। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है, जियो कंपनी ने 4 मई 2022 को अपने 4 न्यू रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया था। तो दोस्तों यहां पर एयरटेल कंपनी ने जियो के 4 न्यू रिचार्ज प्लान को देखते हुए दो अपने रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया है, जिनमें आपको कुछ बेनिफिट एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में सेम देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, एयरटेल का जो भी पहला यहां पर कंपनी की तरफ से रिचार्ज लॉन्च किया गया है 399 रुपीज, यानी कि 399 रुपए। और दोस्तों ये रिचार्ज प्लान एयरटेल की तरफ से, एयरटेल के प्राइस हाइक होने से पहले भी आपको 399 का रिचार्ज प्लान मिलता था। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एयरटेल की तरफ से जो भी दो नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए गए हैं उनकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से जो भी दो नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए गए हैं उनमें सबसे पहला एयरटेल की तरफ से रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है, जिसका यहां पर कंपनी की तरफ से प्राइस रखा गया है 399 रुपीज, यानी कि 399 रुपए। और दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में एयरटेल की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले 2.5 GB का डेटा पर डे दिया जाता है। इसी के साथ आप लोगों को 100 SMS पर डे दिए जाते हैं, और इस रिचार्ज प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। और इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी की बात करें तो इसमें आपको 28 डेज, यानी 28 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान में एक अलग से बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपको इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ, यानी कि 90 दिनों का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और दोस्तों यहां पर एयरटेल का जो भी 399 का रिचार्ज प्लान है, ये प्राइस हाइक होने से पहले जब आप लोग अपने एयरटेल के सिम कार्ड में कराते थे तो आप लोगों को 1.5 GB का डेटा पर डे दिया जाता था, और इसकी वैलिडिटी आपको मिलती थी पूरे 56 दिनों के लिए। लेकिन दोस्तों अब आप लोग अपने एयरटेल के सिम कार्ड में 399 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको 2.5 GB का डेटा पर डे दिया जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको 1 मंथ प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एयरटेल कंपनी की तरफ से जो भी सेकेंड एयरटेल की तरफ से रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसका कंपनी ने प्राइस रखा है 839 रुपीज, यानी कि 839 रुपए। इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसी के साथ आप लोगों को 100 SMS पर डे दिए जाते हैं, और इस रिचार्ज प्लान में आपको 2 GB का डेटा पर डे दिया जाता है। और इसमें आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी आपको 84 डेज, यानी 84 दिनों की देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ, यानी 90 डेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पर जियो कंपनी ने भी अपने 4 न्यू रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया था, और यहां पर जियो कंपनी ने सभी 4 रिचार्ज प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आप सभी को प्रोवाइड किया था। सो दोस्तों ऐसे ही एयरटेल कंपनी ने भी अपने 2 नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया है, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन पूरे 90 डेज के लिए दिया है। तो दोस्तों यहां पर ये टेलीकॉम कंपनियां 3 मंथ का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन इसलिए देती हैं क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आईपीएल जब भी चालू होता है तो आईपीएल जो है 1 साल में 3 मंथ ही चलता है। तो दोस्तों ऐसे में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर अपने रिचार्ज प्लान में 3 मंथ का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं। वैसे दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी एयरटेल की तरफ से रिचार्ज प्लान लॉन्च किए गए हैं ये आपको अधिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, या फिर दोस्तों जो भी जियो की तरफ से 4 न्यू रिचार्ज प्लान लॉन्च किए गए हैं वो आपको अधिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।